वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज है चांद रात और इसलिए मैं चांद रात का व्लॉग बना रही हूँ। पहले मुझे चाहिए था कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आ सकते थे, बन सकते थे, क्योंकि हमारे घर काफी सारे गेस्ट आए हुए थे, अवैस आए हुए थे, जुगनू भाई आए हुए थे दुबई से ईद यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए। तो मैंने कहा चांद रात का और ईद का तो मस्ट बनता है व्लॉग, तो वो तो मैं लाजमी बनाऊंगी। सो चांद हमें तो ना, हमने अब सच्ची बात बताऊँ ना, हमने चांद चांद हमें कोई नजर नहीं आया था। हम लोगों ने ना कॉपी पेस्ट करके तस्वीर यहाँ से जैसे ही ऐलान हुआ ना, लोग वहां से तरंगे छोड़ के भाग गए। सुबह 7 बजे हमारी जान हो जानी। चलो खैर गाइस, अभी हम लोग ना जरा देख के आते हैं, यहाँ पे पास एक मार्शल एरिया है, वहाँ पे ईद का क्या सीन है चांद रात का। फिर मैंने भी मेहंदी शहंदी लगवानी है, चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी भी नहीं हम लोग लेके आए, अभी मेहंदी लेके आनी है, और बस अभी चलते हैं। सफाइयाँ शुरू कर ली हैं, क्योंकि ना जो हमारी मासी थी ना, वो सुबह कोई अच्छी सफाई नहीं करके साइमा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और अवैस के साथ अभी मैं जा रही हूँ और सासू माँ से पूछते हैं कि सासू माँ को कैसा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं सासू माँ के पास आ गई हूँ। सासू माँ ने और मैंने, हम लोग सिर्फ हम दो बंदे थे जो कह रहे थे कल ईद होनी है, ईद होनी है, नहीं तो बाकी सब कह रहे थे नहीं कल कोई ईद वीद नहीं है। तो आंटी और मैंने, हमने जितने हलाल कमेटी वालों को सुन लिया था ना, लोगों के कान पक गए थे। और ये मेरी सासू माँ, सासू माँ आपको कैसा लग रहा है ईद होगी है? अच्छा, अच्छा लग रहा है। सासू माँ को अच्छा लग रहा है। सो बस अभी तैमूर लोग घर नहीं है, वो लोग भी घर आते हैं, तो वही सब देखते हैं, शुगल मेला लगाते हैं, बहुत मजा आएगा चांद रात, ईद पे भी उससे ज्यादा मजा आएगा। सो हम लोग जाने का मुश्किल एरिया चले, बस जा रहे जल्दी 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 ध्यान से जाना है। यहाँ पे अब वैसे ही अपना, अब वैसे को पता नहीं क्या मोटरसाइकिल चलाने का है, कि मुझे मोटरसाइकिल पे लेके जाता है, कहता है कि मैं दुबई में गाड़ी चला चला के थक जाता हूँ, तो मैं मोटरसाइकिल पे जाना है। यहाँ पे तैमूर लोग भी आ गए हैं। तैमूर ईद मुबारक। चलो चले, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपने कहीं नहीं जाना, तैमूर आप शहर करके आए, शर्म करो। तैमूर को नहीं लेके जाना, उधर हम जा रहे हैं लोगों में। ईद मुबारक, खैर मुबारक। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, तैमूर आपने नहीं जाना। चले वैसे आपने से क्यों तैयार किया? चलो ठीक है, जा तैमूर, जा घर जा, हम जा रहे हैं। बाय बाय तैमूर, बाय बाय। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं, ऐसे यहाँ पे हम लोग आए और काफ़ी रश है, स्टॉल्स काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अभी मैं अपने पसंद की चूड़ियाँ देख रही हूँ, मैंने एक डिज़ाइन देखा था नेट पे, अब पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं। सो अभी तो मैं देखा है एक स्टॉल पे, वहाँ पे तो इतनी खास चूड़ियाँ नहीं लगी मुझे, अब अगले पे देखते हैं। यहाँ पे अब इतना ज़्यादा सारा रश है, चूड़ियाँ मैंने देखी है मुझे कोई खास अच्छी नहीं लगी, तो कहीं और से जाके देखते हैं। अभी वहाँ पे भी स्टॉल्स, हर जगह स्टॉल्स लगे हैं, और बैक साइड पे मेहंदी लगवा रही हैं, मैंने भी मेहंदी लगवानी है। अब देखो इधर से लगवाती हूँ कि घर, हम लोग घर वापस आ गए हैं और बाल मेरे उधर उधर गए हैं। खैर बस अभी मैं रेडी होती हूँ, मेरा चांद रात का मैंने स्पेशल ड्रेस लिया है, फिर मेहंदी लगवाते हैं। मेहंदी वहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई खास लगा नहीं रहे, इसे चूड़ियाँ भी अच्छी नहीं है। वैसे तो मैंने, क्योंकि सारी अपनी तैयारी शरीर की पहले कर दी थी, मैंने कहा चलो अच्छा कोई चूड़ियों का सेट होगा तो ले लेंगे, लेकिन नहीं था। तो बस अभी मैं रेडी होती हूँ, फिर मेहंदी लगवाते हैं और फिर देखते हैं कि आज हम ईद पे क्या क्या बना रहे हैं। हर कोई चांद रात पे बना लेते तो सब, जैसे घर आ गए हैं तो मैं अभी आपको सिर्फ चांद रात का सूट दिखाऊंगी, ईद का ना नज़र आ जाए। वैसे तो वैसे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तुम मुझे बताओ कौन सा पहनूं। तुम एक, ओह एक ये वाला ड्रेस है, ठीक है यही पहन लेती हूँ, और ये भी जी येलो येलो पहन लो दूसरा वाला। चलो फिर गाइस अब मैं 2 मिनट में तैयार होंगी, 1 2। सो गाइस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, बस मेरे बालों को रह गया थोड़ा सा इयररिंग्स वगैरह, और जो शूज है खुसा वो भी मेरा ऊपर पड़ा हुआ है, तो फाइनल लुक मैं ऊपर जाके दिखाती हूँ। वैसे आप अभी देख लें, ये ड्रेस है मेरा, और यहाँ पे ये मैंने चॉकलेट्स ली है, क्योंकि आज चांद रात है, जाके सबका मुंह मीठा करवाते हैं, ईद मुबारक करते हैं। ओ माई गॉड, खुल गए ये चॉकलेट्स हैं, तो ऊपर चलते हैं सबको देते हैं।
सो गाइस दिस इज माय फाइनल लुक। बाल अभी गीले हैं इसलिए उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये मैंने साथ कुर्ता पहना है ग्रीन कलर का और ये है मेरे इयररिंग्स। और अभी हम लोग जाते हैं और सबका मुंह मीठा कराते हैं क्योंकि आज है सांगरा। जुगनू भाई नहीं है, अंकल जुगनू भाई क्या, मैंने सबसे पहले उनको देनी है मिठाई। वो तो चला गए, बस अलीशा आप ही को दे लेते हैं, अलीशा आप ही को दे लेते हैं। काटो। सो गाइस यहाँ से शॉपिंग देते हैं अलीशा आप ही को। थैंक यू। तो अब सासू माँ के साथ और साइमा अभी इन प्रोसेस है, वो नमाज़ पढ़ी, उसने कहा मैं फटाफट नमाज़ पढ़ लूँ, तो वो नमाज़ पढ़ती फिर उसको देते हैं और जुगनू भाई चले गए हैं और मैं साथ भी ले लूँ। साइमा ने नमाज़ पढ़ी है। ईद मुबारक। खैर मुबारक। सो गाइज अभी ना मामा का कॉल आई थी, मम्मा कहती थी कि तुम्हारी, मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि मेरी ससुराल में ये फर्स्ट ईद है, पहली ईद है जो मैं अपने ससुराल में सेलिब्रेट कर रही हूँ। सो मुझे मज़ा आ रहा है, ये भी अच्छा इंजॉय है, अलग एक एक्सपीरियंस है। और खैर अभी मम्मा की कॉल आई थी, मम्मा कह रही थी कि हमें तुम्हारी ईदी लेके आनी है। उन्होंने ये प्लान किया था कि हम चांद रात वाले दिन ही लेके आएंगे, मतलब कि रात को ही लेके आएंगे जब पता लगेगा कि सुबह ईद है। सो बस अभी वो लोग आ रहे हैं, थोड़ी देर तक वो आएंगे तो फिर मैं आपको अपनी ईदी दिखाती हूँ और सारा कुछ क्या और हो रहा है वो। गाइस अब खाला का जो ईद का ड्रेस था वो टेलर के पास है, लास्ट पॉइंट पे ऐसी चीज़ें होती हैं, टेलर ने कहा आपकी ले जाए माजी, तो अब हम लोग मैं और अवैस जा रहे हैं ड्रेस लेके आते हैं। मैंने भूल गई थी वो टेलर की शॉप है, वहाँ से मैं खाला का ड्रेस ले आई हूँ और बस अभी घर चलते हैं और खाला को। गाइस हम लोग खाला का ड्रेस लेके घर आए तो मम्मा लोग भी आ गए हैं, तो चांद रात सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे पहले आऊँगा और वो भैया मेरा जो भैया की आंखें खुला ली हुई है, खून उतरा हुआ खून। और नाना से भी आई हुई है, नानी भाई मुबारक, वो भी मिला कर लेना, मुझे गलती नहीं करनी। हाँ, और अब इन सबको भी मुंह मीठा कराते हैं। वेरी चॉकलेट्स मैंने क्या मोमबत्ती ले फिर भी होते लिया, तो अब सबको जाते हैं। तैमूर मेरी ईद मुबारक। हां ये तैमूर का नहीं कुछ पता ही नहीं, बड़े से छोटा है ना गोलियां। और कहीं से अरे भाई फंस जाता है, ये ले लीजिए, ले लो बाहर वाले की ना ऑफिस प्लान हो गई। थैंक यू थोड़ी जल्दी निकाला। So guys, here the basket. तो सबसे पहले अंदर हम फुस्सा देख लेते हैं, ये व्हाइट कलर का फुस्सा है, वेरी ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद मेहंदी है और ये जो बैंगल्स हैं ये मेरी ईद ड्रेस के साथ मैचिंग है। और एक ये रेड वाली बैंगल्स हैं जो कि मैं अभी पहनने लगी हूँ बिकॉज मेरे स्ट्रेस के साथ जा रही हैं। ये है नारियल नेल पॉलिश, उसके बाद ये इयर रिंग्स हैं कितने प्यारे हैं, ये है फूल बना हुआ था, ये है जी ड्रेस। अब ये तो मैं कल पहनूंगी, फिर कल ही देखेंगे। ये ड्रेस आया वाइट कलर का ड्रेस है जिसका मुझे बहुत देर से शौक था, तो मैंने मम्मी से कहा था कि मुझे वाइट कलर का शौक है, तो मम्मी वाइट ड्रेस ही लेंगे। चूड़ियाँ पहन, वो मेहंदी तो लगवा लेती फिर पहनती। अभी ये मम्मा लोग केक भी लाए थे और अभी हम लोग जरा इनको सर्विंग वर्विंग कर रहे हैं। तैमूर बेबी, तैमूर बेबी को केक चाहिए, अच्छा लगा ये लो। मेहंदी लगवाने आए और अब यहाँ पे इतना रश हो चुका है, पहले इतना रश हो रहा था, अब तो और ज़्यादा हो गया। तो अभी यहाँ पे हम मेहंदी लगवाते हैं, वैसे के फ्रेंड है हमजा, उनकी वाइफ लगवाने आई थी, तो हमजा ना अब मैं वहीं पे जा रही हूँ, वहीं से जाके मेहंदी लगवाते हैं। तो यहाँ पे अब हमजा की वाइफ का तो लग रहे हैं मेहंदी, इसके बाद भी मेरा टर्न है, तो अभी ये लगा रही, इन्होंने ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया था, दूसरे हाथ में भी करवा दिया मैंने सेलेक्ट। ये है हमजा भाई की फरमाइश पर लग रहा है चांद। गर्मी तो गाइस मैं मेहंदी लगवाई हूँ और फिर मेरी मेहंदी सूख गई थी, मैंने चूड़ियाँ चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, तो मैंने ज़रा सिंपल सा डिज़ाइन लगवाया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस यहाँ पे जुगनू भाई आ गए, जुगनू भाई मुबारक। और रसद ने अपनी गेम का शोर उठाया हुआ है, यहाँ पे हमारी है जिससे मुँह मीठा करना है, तो आप खुद ही कर ले, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ये चॉकलेट है कस के खींचे, ये चीज
शुक्रिया। और यहाँ तिमूर बेबी की ईद हो रही है। सो गाइस जैसे मैंने आपको अपनी मेहंदी दिखा दी है, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया था हमजा की वाइफ जब लगवा रही थी मेहंदी, क्योंकि ना बस फिर वहाँ पे नहीं बनाया, और भी काफ़ी लड़कियाँ आई थी मेहंदी लगवाना तो मुझे सही नहीं लगा। खैर अब मेहंदी लगवा के आ गए हैं और आज का व्लॉग यहीं पे करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, 3 बज गए हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर कर दें।